अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, आपके साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफार्म से। आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट रोड प्रोफाइल ड्रा विद लिप्स कमांड की मदद से बताएंगे कि लिप्स कमांड के ज़रिए आप अपना कैसे 2-4 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी प्रोफाइल ऑटो कैड के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी अपडेट्स हमारी अपडेट सारी आपको मिलती रहे। उसके लिए देखें, ये हमने प्रोफाइल वगैरह इधर जो थी उसका फॉर्मेट इधर हमने रख के और उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हमें चाहिए थे वो हमने इधर पूरे कर लिए ताकि हमारी टाइम सेविंग आ जाए। इसके लिए सबसे पहले NSS के अंदर आपको स्टेशन और उसका एलिवेशन आपको चाहिए होगा, वो आप इधर नोट कर लें इजीली एक्सेल के अंदर, जो जो आपको प्रोफाइल है और जितने भी डिस्टेंस के अंदर आप उसको करना चाहते हैं, 10 मीटर के अंदर, 15 मीटर के अंदर या 20 मीटर के अंदर, इसको आप इजीली जो स्टेशन आपके हैं वो उसके सामने आप NSL जो आपके पास मौजूद हैं, हम नॉर्मल रूटीन्स के अंदर NSL 20-20 मीटर्स के ऊपर पड़े जाते हैं, वो आप इधर 20-20 मीटर की प्रोफाइल भी बना सकते हैं ताकि उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये NSL एलिवेशन वगैरह मैंने अभी ड्राइंग्स ही ले लिए जो कि मेरे पास थे NSLs, ये मैंने इधर इसको इधर से नोट कर लिए सारे, ये प्रोफाइल मेरे पास पड़ी हुई थी। और ये मेरे पास VPI वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेटा, उसका उसके मैंने एक टेबल इकट्ठे बना दिए इधर, बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट हमारा, VPI स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 VPIs थी हमारे पास, और ये जो थी ये वो मैंने सारी इधर इसको देख के इधर से मैंने इंटर कर दी ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए। आपने भी ऐसे करना है, उसको ये फॉर्मेट बना के इसको इसके अंदर इंटर कर देना है। सिर्फ स्टेशन आपका जो फर्स्ट स्टेशन है बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट 0+150 वाली RD के ऊपर, स्टेशन के ऊपर, और एलिवेशन उसका जो है इसी तरीके से VPI का एलिवेशन, और इसका जो कुछ सिस्टम आएगा ये देखें, ये स्टेशन है 0+868.31, 0+868.31, और एलिवेशन इसका 210.08, 210.08, और VCL इसकी है 1110, और ये VCL इसकी हमारे पास आ गई 1110, ये मैंने इधर लिख ली है। इसके लिए प्रोफाइल के लिए आपके पास जो स्केल बनाना होता है वो आप 1:10 का ये यूज़ करेगा, 1:10 के लिए बनाने के लिए आपके पास सिंपल जो एलिवेशन आपने VPI एलिवेशन के बनाए उसको आप इधर से इजीली उसके साथ मल्टीप्लाई, आपने सिर्फ एलिवेशन मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना और आपका स्केल 110 के हिसाब से अचीव होएगा, इज इक्वल टू एलिवेशन मल्टीप्लाई बाई 10। ये देखें, ये इसको करके इधर से मैंने इसको फार्मूले को नीचे कॉपी कर लिया, ये जितना एलिवेशन था मेरा ये उसको उसने मल्टीप्लाइड बाई 10 के साथ उसने इसको कर दिया। इसके बाद आगे हमारा आ जाता है कैलकुलेट फार्मूला, जो कि हमारा इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज है इस फार्मूले का, वो मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ ताकि ईजीली आपके पास प्रॉब्लम आ जाए। इज इक्वल टू, ये देखें इधर भी आपको पास आ जाता है, और अगर इधर नहीं आ रहा तो ये फार्मूला बार में जाके इंसर्ट फंक्शन में जाके और इधर आपने सी प्रेस कर दें और इसको इधर से आप तलाश कर लें। अगर आपके कमेंट, ये देखें ये मेरे पास ये आ गया, इधर करके इसको मैं सिलेक्ट करके इधर से मैंने ओके कर देता हूँ, ये टेबल मेरे पास इसका खुल गया। तो इसके लिए तरीकाकार वही है जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टेक्स्ट 1 आप इसका स्टेशन इधर से कॉपी कर लें, सेकंड कॉलम सेलेक्ट करके कॉमा लगा दें, और थर्ड कॉलम के अंदर सेलेक्ट करके इसका एलिवेशन जो आपने 10 के स्केल के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है उसको आप करके और इधर से ओके कर दें। देखिए इसने उसको इधर से सेलेक्ट कर दिया और उसको मैं नीचे तक इधर तक कॉपी कर दिया, ये देखिए ये लाइन के हिसाब से सारा कुछ इसका पूरा कम्प्लीट आ गया है इसका। अभी हम आ जाते हैं अपने लिप्स कमांड की तरफ, ये 2 लिप्स कमांड हमारे पास से डिज़ाइन 10 और प्रोफाइल 10 के नाम से है। प्रोफाइल 10 के नाम से जो कमांड चलेगी वो चलेगी आपकी PRO के नाम से, PRO के नाम से वो रन करेगी। आपने कमांड ऑटो कैड की कमांड बॉक्स में इधर PRO एंटर करना है तो वो आपकी इधर वो चलेगी, और डिज़ाइन का इसलिए DES की कमांड आप लगाएंगे। तो आते हैं ऑटो कैड की तरफ, सबसे पहले जो काम है उसको आप लोड कर लें लिप्स कमांड को, उसके लिए शॉर्ट कीज़ AP लोड एप्लीकेशंस AP के आप कमांड देंगे तो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप
जाते हैं तो इधर टूल्स के अंदर जाके ये लोड एप्लीकेशंस का एक कॉलम बना हुआ है, आप इसके अंदर से इसको सिलेक्ट कर लें। और इधर से आप ये देखें, ये ब्रीफ केस है इसको सूट केस के अंदर। इधर से आप पे सिंपल जिधर आपकी ये पड़ी हुई है लिप्स की कमांड, आप इधर से इसको लोड कर लें। देखें ये क्लोज़ कर दिया है, लोड होगी मेरे पास। ये मैं चेक करना चाहता हूँ दोबारा, ये देखें ये लोड हुई है मेरे पास, इसको क्लोज़ कर दिए। उसके तरीकाकार वही है कि आप इसको ऑटो कैड को बंद करें और दोबारा उसको रन कर लें। देखें रन करेंगे तो ये मेरे पास अब ये कमांड चलेगी, कमांड मेरे पास चलनी है प्रोफाइल की PRO के नाम से। सबसे पहले हम प्रोफाइल इसकी रन करेंगे, तो इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ये आपके लाइक्स बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपके पास सेव रहे और जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको दोबारा उधर से देख लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर कमांड के अंदर दोबारा। PRO ये देखें, ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये PRO मैंने लिख के इधर एंटर कर दिया। देखें ये अभी मुझसे ये पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी फर्स्ट स्टेशन, जो आपका फर्स्ट स्टेशन है आप उसको इधर एंटर कर दें। NSS का आपको वह फर्स्ट स्टेशन है इंटर का 0+00, आप इधर इसको 0+0.00 इंटर कर दें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इंटर दी फर्स्ट एलिवेशन, आपका जो फर्स्ट एलिवेशन है वो क्या है NSL का, वो है 216.593, 216.593 इंटर कर दिया। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर दी स्टेशन डिस्टेंस, आपका जो प्रोफाइल का डिस्टेंस है NSL की वो कितने कितने मीटर के ऊपर है। मेरे पास इधर 50-50 मीटर के ऊपर है, आप इसके ऊपर जितना मीटर का आपका डिस्टेंस होएगा वो आपने इधर इसको दे देना है। 50 मीटर्स को मैं दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखें उसने मुझे ये इधर एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल का फॉर्मेट उधर बना दिया है अपने उस डिस्टेंस के हिसाब से, सारा कुछ के हिसाब से। सबसे पहले स्टेशन आ गए हैं, ग्राउंड एलिवेशन NSL और फिनिश रोड लेवल FRL, और जो पहला एलिवेशन हमने दिया था 00 RD और 216.593 एलिवेशन, वो उसने इधर लगा दिए। इसके लिए भी दो तरीके कार हैं, एक तरीका कार तो ये है कि आप इसको इधर से एलिवेशन देना है तो आपके पास एलिवेशन डायरेक्ट इधर से देंगे, सिर्फ सिंगल एलिवेशन अगर आप देना चाहते हैं 216.543, 216.543 देखिए मैंने दिया, ये दूसरा उसने कर दिया। उसके बाद तीसरा आ जाते हैं 216.45, सिर्फ इसमें एलिवेशन देना है डिस्टेंस नहीं देना, 216.45 ये देखें ये आगे वो ड्रा करता जा रहा है। और इसमें दूसरा तरीका कर ये है कि आप इधर से इसको कॉपी करें, सिर्फ एलिवेशंस को आपने इधर डिस्टेंस को नहीं करना, इसको एलिवेशंस को कॉपी कर लीजिए। जब तक बाकी हमने ये मैनुअल दे दिए थे और 150 से आगे हमने इसको कॉपी कर लिया और इधर से उसको हमने इधर पेस्ट कर दिया। ये देखें ये आपके सामने जस्ट उसने एक मोमेंट के अंदर ही पूरी लास्ट तक उसने ड्रॉ कर दिया इसको। लास्ट RD हमारी 1+400 और एलिवेशन हमारे पास 216.031, तो ये देख लें इधर हमारे पास लास्ट स्टेशन जो है 1+400 और 216.031। तो ये इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके के साथ उसने इधर हमारे NSL ड्रा कर दिए और ये इधर सी लाइन भी इसने आगे ड्रा कर दिए। उसके आगे आप ये आए इसमें लेयर्स में, तो ये इसने आपकी लेयर्स भी बना दी हैं कि इसमें आप जो सी लेयर आप रखना चाहते हैं वो रखें और जो सा आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं उसको आप ख़त्म कर लें। इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बाद इसके डाटा एलिवेशन है, इसके बाद ये तो अब आए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ के आपने आप डिज़ाइन प्रोफाइल हमने कैसे ड्रा करनी है और वो हमें इसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये इसके लिए मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि ये इसको आपने फॉर्मेट को आपने कैसे बनाना है स्टार्ट में वीडियो के। जैसे आप इसको कॉपी कर लें लाइन को और ऑटोकैड के अंदर सिंपल जाके लाइन की कमांड उसके ऊपर आपकी लगी हुई है इसको आप पेस्ट कर लें। ठीक है, आप पेस्ट करेंगे ये आपके पास ये लाइन लग गई है। इसके बाद सिंपल से आप इधर एक इसको सर्कल की कमांड दे के और इसको आप इधर से इसका सैम्पल लगा दें। ये मैं सर्कल लगा देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो।
प्रॉब्लम किसी किस्म की प्रोफाइल ड्रा करते वक्त ना आए। देखें, मैंने इधर इसके सर्कल लगा दिए जो हमारे पीवीआई स्टेशन थे, उसके हिसाब से जो ये स्टेशन आया हमारे, उसके हिसाब से मैंने इसको लगा दिए। अब आपने इसके अंदर हमने जिसको प्रोफाइल को रन करना है वो हमने करना है DES के नाम से। DES के नाम से आप इधर ऑटो कैड के अंदर आके आप सिंपल सा इसके अंदर आके, इससे पहले एक चीज़ और, इधर से मैं ये डेटा कापी कर लेता हूँ ताकि हमें उसमें वर्टिकल कर्व्स वगैरह की जो सिस्टम है वो समझने में आसानी हो जाए। जैसे आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, सामने रखना चाहते हैं तो रखने, तो ड्राइंग आपके पास है तो आप ड्राइंग की मदद से उसके अंदर अपनी वर्टिकल कर्व को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका स्केल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको आप पकड़ के सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं और स्केल की कमांड के ज़रिए भी आप इतना विजिबल कर लेते हैं कि हमें वो एक ही जगह से वो ईज़ीली नज़र आता रहे। देखिए ये इसमें अभी अगर हमारे पास इसको नज़र आ रहा है, इसके लिए भी आप नीचे आ जाए कमांड पार्ट में DES नाम से इंटर करें और ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी फर्स्ट PVI पॉइंट। हमारे पास जो फर्स्ट PVI इंटर पॉइंट आएगा उसको हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और, इधर से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि प्लॉटिंग में ईजी आ जाए। दोबारा कमांड को रन करते हैं DES के नाम से। यह पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें, आपसे कह रहा है आपने उसका दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो आपने सेलेक्ट कर लें। ये फर्स्ट टाइम पे आपने तीन पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, देखें तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने। और अब ये पूछ रहा है कि वर्टिकल प्लीज़ इंटर दी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की पहली जो लेंथ है हमारी वो है 180 मीटर, वो इधर से हम इसको 180 मीटर दे देते हैं। ये देखें, ये इसने हमें ड्रा कर दिया इसके अंदर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आगे हमारे से पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी नेक्स्ट VPI पॉइंट। नेक्स्ट VPI पॉइंट हमने ये वाला, इधर से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना। अब ये पूछ रहा है कि वर्टिकल कर्व क्या थी, तो इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ क्या है। हमारी दूसरी वर्टिकल कर्व की लेंथ है 150 मीटर, तो हमने इधर इसको 150 मीटर इंटर कर देना। देखें, ये दूसरी VPI हमारी प्लॉट कर दी उसने। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो हमसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी नेक्स्ट पॉइंट। हमें उसके नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसकी वर्टिकल कर्व लेंथ है 200 मीटर। प्लीज़ इंटर दी वर्टिकल कर्व लेंथ 200 मीटर। ये देखें, ये प्लॉट करता जा रहा है। इसी तरीके से हम अब आगे आएंगे और नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसकी वर्टिकल कर्व लेंथ है 110 मीटर, 110 मीटर। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे हम ये सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया और वर्टिकल कर्व की लेंथ है हमारी 100 मीटर। इधर हमने इसको 100 मीटर इंटर कर दिया। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट EOP, इसको हमने सिलेक्ट किया और लास्ट जो हमारी वर्टिकल कर्व लेंथ थी वो है 100 मीटर। देखें, ये इधर इसने मैं इसको बना दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, प्रोफाइल आपके सामने ड्रा होगी इसकी बगैर किसी प्रॉब्लम्स और बगैर किसी टाइम शॉर्टेज के। उसके ऊपर ये वर्टिकल कर्व का उसने डेटा दे दिया है, ये ग्रेड आ रहे हैं उसके G1 G2 के हिसाब से सारे। ये देखें, ये इस डेटा को हम इधर से चेक कर लेते हैं। इसको पहला VPS स्टेशन है 0+187, ये राउंड फिगर में लेके गया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास 160 था, इसका मसला नहीं। और एलिवेशन इसका 217.09, एलिवेशन इसका 217.09 और कर्व लेंथ है 180 मीटर और कर्व लेंथ है इसकी 180 मीटर। ये आपके सामने आ रही है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट PVI 0+359.258, 0+359.28 और 207.6 इसका एलिवेशन और वर्टिकल कर्व की लेंथ आ गई इसकी 150 मीटर। और ये सेकंड का इसका देखें, ये ई दे रहा है इसके पास। ई को हम इधर से इसको चेक कर लेते हैं कि दूसरी हमारी PVI थी, ये की वैल्यू हमारे पास आ रही है इधर 1.20 और इधर आ रही है हमारे पास 1.20।
वो राउंड फिगर में है और इधर इसमें इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1.225, 1.227 इसी तरीके से ये देखिए, ये आपका ग्रेड आएगा, ये ग्रेड आपका वो पर मीटर के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया हुआ इधर, और ये जो ग्रेड आएगा ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये पर मीटर के हिसाब से आएगा। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करके इसका आप उससे ग्रेड भी आप इसका देख लेते हो। नीचे आ जाते हैं हम इसके लेवल्स वाले, फिनिश रोड लेवल एलिवेशन में ये देखें, ये उसने हर आरडी के सामने हमें अपने उसके लेवल्स भी इधर प्लॉट कर दिए हैं सारे। ये थोड़ा बहुत मर्जू है आपस में, आप इसको अलग कर लें। अभी हम इधर से एक लेवल इसका चेक कर लेते हैं, 0+700 209.598, 0+700 216.763, पे 209.766, 752.209.735। तो ये देखें, ये बहुत ही इजी तरीके के साथ एक्सेल के अंदर ये आपकी प्रोफाइल ड्रा हुई, और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या कोई टाइम की कमी और किसी किस्म का में इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इलिप्स कमांड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मेल आईडी पेस्ट कर दें, मैं उसको पर आपको ये फाइल्स आपको मैं मेल कर दूंगा।